गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ भंडारदारा, जो कि है 165 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई और 44 किलोमीटर फ्रॉम इगतपुरी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ मिलते हैं आपको खूब सारे सुंदर वाटरफॉल्स। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ रंधा वाटरफॉल, जो कि है भंडारदारा में, और ये अभी तक की सबसे बेस्ट वाटरफॉल है। आप देख सकते हैं कि फ्लो कितना जबरदस्त है एंड दिस प्लेस इज जस्ट मैजिकल। पहाड़ हर तरफ, ग्रीनरी, उड़ती हुई फॉग, वो इट्स अमेजिंग। रंधा वाटरफॉल परावरा रिवर पर है और भंडारदारा का एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। ये जो भंडारदारा लेक है, यहाँ पर बोट्स मिल जाती हैं रेंट पर, और ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने सीक्रेट वाटरफॉल पर। हाँ जी, इसको सीक्रेट वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर जाकर है, और अंदर जाके आपको एक ऐसा जेम दिखता है, ऐसा वाटरफॉल दिखता है जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं बाहुबली वाटरफॉल, और यहाँ आने के लिए पहले आपको एक अबाउट 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। और आजकल क्योंकि बारिशें चल रही हैं तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, तो आप थोड़ी आराम से आइएगा। और ये लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट है, तो आप इसको मिस मत करिएगा क्योंकि फ्लो बहुत ज़बरदस्त है एंड इट हैज़ एन एन्चेंटिंग व्यू। तो चलिए जाके एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से बाहुबली वाटरफॉल और इसका मज़ा लेते हैं। जिस वाटरफॉल पर हम जा रहे हैं उसका नाम है कोलटम्बे वाटरफॉल, लेकिन उसको कहते हैं बाहुबली वाटरफॉल। और उसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है वो आपको पता चल जाएगा वाटरफॉल को देखते ही। सो गाइज, दिस इज द मेस्मराइजिंग बाहुबली वाटरफॉल। गाइज, अगर आप भंडारदारा आए और बाहुबली वाटरफॉल ना आए तो इसका मतलब आपने असली मज़ा लिया ही नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत है और आप ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, पर हाँ जी, आप वाटरफॉल पर नहीं जा सकते क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ही स्लिपरी रहता है वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ बैठकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। बाहुबली वाटरफॉल के साथ ही पड़ता है वसुंधरा वाटरफॉल। तो आप ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और ये आप मिलन देख सकते हैं दोनों वाटरफॉल्स का, जो कि बनाता है ये सुंदर सी नहर। और ऐसे ही चलते चलते आप पहुंच जाते हैं वसुंधरा वाटरफॉल। सो गाइज, दिस इज द ब्रेथ टेकिंग वसुंधरा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल भी बाहुबली वाटरफॉल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। अगेन, रास्ता जो है वो काफ़ी स्लिपरी है, तो दो चीज़ें याद रखिए। एक तो आप पहनिए अच्छा फुटवेयर, और दूसरी चीज़ अपना रेनकोट और अम्ब्रेलास कैरी करिए ताकि अगर बारिश आए तो आपको दिक्कत ना हो। वाओ गाइस, यहाँ बैठ के जो मज़ा आता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो जाइए, मज़े करिए और खूब इंजॉय करिए पानी में, और साथ में ले जाइए एक चेंज कपड़ों का ताकि आप अच्छे से भीगें और फिर चेंज कर लें। गाइस, भंडारदारा में एक से दूसरी वाटरफॉल जाने के रास्ते में जो ये व्यू देखने को मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है। और ऐसे चलते चलते मैं पहुंच गई नानी घाट वाटरफॉल। और गाइस, इसको हम बोलते हैं रिवर्स वाटरफॉल। हाँ जी, उल्टा वाटरफॉल, क्योंकि कहते हैं कि जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है तो कहा जाता है कि यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर जाता है। और इसका साइंस ने ये रीज़न दिया है कि यहाँ पर हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि जो पानी नीचे आता है वो उड़ के फिर से ऊपर चले जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है नेकलेस वाटरफॉल, और इसे नेकलेस वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से नीचे आता है और बिल्कुल एक नेकलेस की तरह दिखता है। यहाँ पर एक फोटो बूथ भी है, तो आप यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कीजिए।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूं जटायु मंदिर। हाँ जी, ये इगतपुरी से 28 किलोमीटर दूर है और ये आप देख सकते हैं जटायु के पंख। तो इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और ऐसे माना जाता है कि जब रावण सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान से लंका जा रहे थे तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण से लोहा किया था। और स्थानीय मान्यता के हिसाब से माना जाता है कि आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ पंख यहाँ आ गिरे थे। तो ऐसे माना जाता है कि दुनिया भर में ये सिर्फ यही एक जटायु का मंदिर है। और यहाँ माना जाता है कि जो भी यहाँ से शिवलिंग निकाल ले उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और दोस्तों ये निकालना बहुत आसान नहीं है, बहुत लोग तो नहीं निकाल पाते। और ऐसे कहते हैं कि अगर आप इसे निकाल पाएँ तो आप इसे कुंड में जाके नहला दें और फिर वापस यहाँ पर अंदर डाल दें ताकि दूसरे लोग भी कोशिश कर सकें शिवलिंग को निकालने की। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कुछ मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो तो ज़रूर आएँ जटायु मंदिर में और आके दर्शन कीजिए। तो दोस्तों जब आप भंडारदारा से इगतपुरी जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है भावली विलेज, जहां पड़ेंगे भावली वाटरफॉल और भावली डैम। और ये बहुत ही सुंदर हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लो है इस वाटरफॉल का और लोग यहां पर खूब मज़े लेते हैं। और सामने ये पड़ता है डैम, तो बहुत ही सुंदर पहाड़, ग्रीनरी, उड़ती हुई फॉग और एक ब्यूटिफुल व्यू। सो गाइज, ये था खूबसूरत सा भंडारदारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आया है तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही जल्दी से मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।